सच का सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ, उसके बाद कहाँ जाएंगे आपको पता है ना, आप जानते हैं गौरी वैष्णव का तीन देव है कौन सा, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, मदन मोहन तो पहले प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे गोपीनाथ, हाँ मधु पंडित का प्रावधान है गोपीनाथ, जरूरत नहीं पड़ेगी क्या मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मंदिर में भारत में आराम से रख लो फिर भी जरूरत पड़ जाए इसकी रबड़ी मशहूर है।
नया गया तो मेरा नया और व्हाट्सएप उसको क्या कर लेता हूँ वो होलैंड का है Yeah.
क्लोज है, क्लोज मंदिर क्लोज है। ये क्या मेन द्वार से प्रणाम करें जी, हम लोग जाना है, बताना चाहेंगे। गोविंद जी का मंदिर आज बंद है कोरोना के कारण। गोविंद जी का मंदिर बंद निकला। बंद ही है। Thank you.
गुरुदे गुरुदे इधर बैठे, इधर चलना पड़ेगा, इधर कैमरे नहीं आगे, साफ साफ आएगा फोटो। हाँ चलो বন্ধু সঙ্গে যদি তো রঙ্গ করে নিচে গেলে প্রভু জি মত अरे ब्रज ब्रज लगने बंधु संगे जदि राधा गोविंद देव की श्री वृंदावन धाम की श्री रूप गोस्वामी प्रभु की श्री गुरु जी महाराज की श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की परिक्रमा कर समस्त भक्त वृंद की श्री दाई गौर कृपानंद বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহা ও বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহা থাকে অভিলা থাকে তবে মোর কথা রাখো যেও না খো যেও না খো তবে মোর কথা রাখো যেও না খো যেও না খো মথুরায় কেসি তীর্থ
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्टलिभि सर्वमान स्मरामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते जहाँ उपस्थित हुए हैं ये श्री गोविंद देव जी का पुराना मंदिर। हम पहले जो नया मंदिर उसके प्रणाम करके आए, मंदिर दर्शन तो खुल गया था, इतने लोग देख करके डर गए, हमें प्रवेश अधिकार नहीं दिया। गोविंद देव की इच्छा है उनके पुराने स्थान में दर्शन देंगे। श्रीमान महाप्रभु ब्रज में सबसे पहले भूवर गोस्वामी एवं लोकनाथ गोस्वामी को भेजा था, बाद में रूप गोस्वामी को एवं सनातन गोस्वामी को दोनों को सेनापति बना करके भेजा। ब्रज में चार काम करने का दायित्व दिया, लुप्त तीर्थ उद्धार, शिव विग्रह प्रकाश, वैष्णव ग्रंथ प्रणयन, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, वैष्णव सदाचार प्रणयन। श्रील सनातन गोस्वामी मदन मोहन को आविष्कार किया। रूप गोस्वामी ढूंढ रहे हैं कहां गोविंद देव, कहां गोविंद देव, तो व्याकुल हो गए। प्रतिदिन ढूंढते जाते इधर उधर, एक दिन एक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण आके, बाबा किसको ढूंढ रहे हो? मैं ठाकुर जी को ढूंढ रहा, गोविंद देव को। बोले देखो ये पास में जो ऊंचा टीला दिख रहा है ना, उसमें प्रतिदिन दोपहर के समय एक गाया आके ऊपर चढ़ती है और खड़ी हो जाती है, उनको स्तन से अपने आप दूध झरता है, वहीं पर एक छेद है, समस्त दूध उस छेद में जाता है, वो छेद जाके जाके गोविंद देव का अभिषेक होता है, वही ढूंढो मिल जाएगा। बोल के फिर मुड़ के देखा, ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं, वही साक्षात गोविंद देव ऐसे आके दर्शन देके चले गए। अब स्थान को जब हटाया, मालभूमि को गोविंद देव मिले। ये कृष्ण का नाम गोविंद नित्य है, इस जगत में गोविंद नाम कैसे आया, गोविंद नाम का तात्पर्य क्या है, इनका दर्शन करने पर क्या होता है, एक एक करके बताता हूं। ये गोविंद नाम का तात्पर्य गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात गोप, गोपी, गो गोवत्स, वेद, पृथ्वी, इन सबको जो आनंद देते हैं उनका नाम गोविंद। बोले पृथ्वी को ऐसा आनंद देते हैं, जब अपने नंगे पैर में गोचारण में जाते, उनका वज अंकुश ध्वज सब चरण चिन्ह ये पृथ्वी देवी के वक्षस्थल पर पड़ती है, कितने आनंदित होती है उनके देख करके। पृथ्वी देवी उनके गौओं को चरने के लिए सुंदर सुंदर घासे दे देती है, झरना प्रस्तुत कर देती है, इतने पृथ्वी खुशियों का ही करती है। और गोप गोपी को आप तो जानते हैं, सौका सौ खेल धुल करना, हंसी मजाक करना, गोपियों के साथ रास रचाना, मातृस्थानीय गोपियों को स्थान पान करना, ऐसा आनंद देते, सबको ऐसा आनंद देते। अब कृष्ण थोड़े बड़े हुए, एक दिन मैया जसोदा बहुत पकवान बना रही थी, कृष्ण आके पूछा, मैया आज क्या मेरा जन्मदिन है? बोले नहीं, जल दो खिलाओ। बोले नहीं, दाऊ का नहीं। बोले जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ बाबा के पास जाओ। कृष्ण थोड़ा मन थोड़ा खट्टा हो गया, मैया तो कभी ऐसे डांटती नहीं,
तुरंत खिला देती है। ऐसे क्यों किया? ऐसे कृष्ण माँ बाबा दोनों रहे, सबसे माँ के गोदी में जाके बैठ जाते, पिताजी बुलाने पर नहीं जाते, आए सामने तुरंत डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। बाबा बैठे थे, आ करके बाबा के पीठ में प्यार कर दुल दुल करने लगे। क्या बात है, इतना प्यार कर रहे हैं सामने आके गोदी में बैठ के। बाबा बाबा आज मेरा जन्मदिन है। बोले नहीं बेटा, बाबा दाऊ जी का है। नहीं बाबा आपका है। बोले नहीं बेटा, जब बेटों को जन्मदिन पालन किया जाता है बाप का नहीं होता है। तो मैया इधर से बना के हो रही है, बोला इंद्र पूजा। अच्छा बाबा इंद्र पूजा? हाँ बेटा इंद्र पूजा। बाबा इंद्र क्या करता है, हम क्यों पूजा करेंगे? तो बताया नहीं करने से क्या नुकसान है? बताया बाबा देखो बेटा, ये इंद्र स्वर्ग का देवता है, स्वर्ग का राजा है। इंद्र को पूजा करने पर इंद्र बारिश बरसाते हैं, बारिश बरसाने पर घास उगता है, कुंड पानी से भरता है, हम पानी पीते हैं, रस्सी बनाते हैं, गैया घास चरते दूध देती है, इस समय गोधन वृद्धि होता है। बाबा इंद्र पूजा न करे तो इंद्र बिगड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा सब कुछ। बाबा मैं इंद्र से खेलू? अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, इससे कोई खेलते नहीं। क्यों बाबा? वो राजा है, मैं राजपुत्र हूँ, अब महाराज है, मैं महाराज का पुत्र हूँ, आपसे खेलता हूँ, उसे क्यों नहीं? बोले मुझे पिताजी ये नहीं लगता है वृष्टि का कारण इंद्र है, मुझे लगता है वृष्टि का कारण गिरिराज गोवर्धन। अब कृष्ण इधर साइंटिफिक कस बता रहे हैं, पिताजी ये देखिए गिरिराज कितने ऊंचे हैं, तीस पर्वत में बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, जब मानसून का बादल आता है सब टकरा करके बारी बरसता है। इसके बजाय मेरे पिताजी एक मंतव्य है, एक सुझाव है, इंद्र पूजा को बंद करके गिरिराज की पूजा करना चाहिए। बोले नहीं ऐसे नहीं होता, बिना पूजा से पानी नहीं होगा बेटा। फिर पूछ रहे बाबा समुद्र में पानी बरसता है? हाँ बेटा इधर से अधिक होता है। बाबा जंगल में भी? बाबा जंगल के अंदर कौन पूजा करता है? समुद्र में जाके कौन इंद्र पूजा करता है? बाबा का बोलती बंद, कुछ नहीं बोल सके। नहीं बाबा ठीक है, भिड़ा पिटवा दिया। अब हुआ क्या, अब सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज का पूजा किया। अब गिरिराज कृष्ण एक स्वरूप में बाबा ताऊ चाचा सबके पास है, एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन खड़े होकर बोले आनो रे और ले आओ ब्रिगमो। इसमें बाबा ब्रजवासियों देखो देखो गिरिराज प्रकट हो गए हैं, कभी आप लोग इंद्र का दर्शन दिया? नहीं। देखिए गिरिराज कितने कृपालु हैं, सबको दर्शन दे रहे और मांग रहे हैं। तुरंत चांद सेकंडों में सबको डकार गए, अल्लाह हम लोग गरीब गोप है, कहा क्या लाए, तुलसी पत्र से संतुष्ट हो गया, डकार दिया। तिप्तोस्मी गिरिराज कौन बने? कृष्ण बने। तस्मिन तुष्ट जगत तुष्टं प्रीणिते प्रीणितम जगत, कृष्ण तुष्ट हो संतुष्ट सब संतुष्ट, कृष्ण का पेट भर जाए सबका पेट भर जाता है। अब फिर पूरा सब कर दिया, बोले बरंग्रही कुछ बर मांगो। सब लोग चाहते हैं नंदलाला सुखी रहे, जसोदा दुलाल सुखी रहे, बहुत विपद आता है, अपने कुछ नहीं मांग रहे हैं, यही तो ब्रज है ना। ब्रज में संसार में क्या पार्थक्य, संसार सम्यक रूपे न सरति, संसार सम्यक रूपे चल रहे किसे ध्वंस की ओर, और ब्रज ब्रजती चलती कहां चल रही है? कृष्ण के ओर, एक कृष्ण के ओर और कृष्ण के विपरीत दिशा में चल रही है। अब सब लोग खा पी गए, अब चलो परिक्रमा, हम लोग जब जाएंगे गोवर्धन में सब लोग आना परिक्रमा करेंगे। अब परिक्रमा कर रहे हैं, सब लोग बहुत खा पी रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब राधा जी सखिया के साथ है, ललिता विशाखा से मन की बात कह रही है, अहो यदि श्याम सुंदर के शक्ति मुझे प्यार करते हैं, थोड़ा मुझको आके सामने आके दर्शन दे जाए तो मैं मानूंगी। कृष्ण सर्वांतर जामी समझ गए, बछड़े चढ़ाते बछड़े के पूछ को एट दिया, दौड़ा उधर, ट्रेन बछड़े हैं, उनको लेने के बहाने में राधा तक आ गई, आंख में आंख मिला करके चले गए। राधा जी ललिता बहुत खुश हो गई, फिर कह रहे ललिते देखो
ये तो बछड़ा है तो बछड़ा के लेने गया है, सचमुच मुझे प्यार करता है, सबके सामने रहते मुझे आंख में एक बार आंख मिला ले तो मैं मान लूंगी। तो क्या किया कृष्णा, सखा लोग लाठियां को ऊपर फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कृष्णा जो बहुत ऊपर फेंक दिया और क्या किया, माई मारा डाई ऊपर चले गए, ऊपर जा करके ये लकुड़ी को लकुटी को पकड़ने के बहाने उन गोपियों को देखा, फिर आगे सखाओं के बीच में आके लैंडिंग कर गए, फिर भी राधिका मन नहीं भर रहा है। और एक बार 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 तीन बार तो क्या किया, कृष्ण के हाथ में जो दंड है उसमें पूरा सा मनी मानिक का लगा हुआ है, ऐसे करके घुमा रहे हैं, रिफ्लेक्शन जा रहे हैं, देख रही है राधिका ललिता विशाखा, ये आनंद वृंदावन चंपू में दिया देखो। फिर जब आए आकर सब घर चले गए, इंद्र को पता चला ये ऐसे ऐसे हुआ है, मैं इसके डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, तब तो बताया अच्छा इस कैसे कैसे बताया, सब बता दिया, बोले ब्रज को वर्ल्ड मैप से ओमिट कर दूंगा, क्या सोच रखा नंद, ये छोकर के कथा सुन करके ऐसे किया, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, मैं संवर्तक मेघ को भेज दिया, संवर्तक वायु, संवर्तक मेघ, संवर्तक सूर्य सब होता है, ये वर्णन दिया भागवत में, कब किस समय किसी का जरूरत होता है, भेजा संवर्तक मेघ को, इतने तेज बारिश, हाथी के सूर्य के साथ मोटे मोटे, बस अब कृष्ण सब ब्रज में त्राही माम, कृष्ण कोई चिंता नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा की, गिरिराज जी हमारा रक्षा करेंगे, चलिए सब आके कहां आए गिरिराज जी में, कृष्ण गिरिराज जी को उठा लिया, सब लोग उसके अंदर आ गए, सब पार्टी चल रहा है, सब खाना पीना नाचना गाना, मैया जसोदा खिला रही है, सला रही है बेटा को, कोई चिंता नहीं। सखा लोग कह रहे कान्हा तू अकेला सुधीर तो पकड़ा, तुम्ही आमी बड़ो लोग, तुम्ही कौन बड़ो लोग, आमी तुम्ही आमी सब, डंडा दिखा दिया, लगा दिया, टेक दिया, कृष्ण थोड़ा मजा करना चाह, यही थोड़ा एक मिलीमीटर नीचे की और फट फट डंडा तुरंत कृष्ण पकड़ लिया। भागवत में नहीं बताया कौन से हाथ में कृष्ण गिरिराज धारण किया, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद अपने बृहद भागवतामृतम एवं भक्तपुर स्वामी सिंधु में दिखाया बाया हाथ से। बाया हाथ से क्यों, कृष्ण दिखा रहे इंद्र को, देखिए मेरे बाया हाथ का खेल है, तू इतना कर रहा है, देख मेरा बाया हाथ का खेल है देख। दूसरे कारण जो शक्ति है, शक्ति शक्तिमान के बाएं ओर रहती है, राधिक सॉरी कृष्ण का शक्ति कौन है, गोपिया, तीस पर भी राधा चंद्रावली, तीस पर भी राधिका, केवल वही नहीं कृष्ण दिखा रहे हैं बाया से बाया, यानी केवल राधिका जी धारण कर रही है, राधिका जी गोपियां देख रही हैं, देखो गिरिराज थोड़े खिसोगे तो मैं चकना चूर कर दूंगी, लोग अपने आंखों से टांग के रखा दृष्टि शक्ति से, बारिश तो हो रही है नीचे नहीं आ रहा है, क्यों, बलदेव प्रभु अनंत रूप में पूरा प्राचीर कर दिया, बहुत ऊंचा बरस रहा है, छीटा फोटा भी नहीं आ रहा है, और शिव जी बिगड़ गए, यार इंद्र बदमाश तू मेरा प्रभु के लीला में खलल डालना चाहते हो, ले लिया अपना त्रिशूल, लेके जोर से घुमाने लगे, इतने जोर से तेजी से घुमा रहे हैं, पानी तो आ रहा है और सब त्रिशूल सूख रहे हैं। और कभी किसी कल्प में चक्र से प्रार्थना किया, चक्र आके छा गया, पानी वही आ रहा है, चक्र सोच रहे, इसलिए शिव जी का नाम चक्रेश्वर या चकलेश्वर, चक्र ही जिनका ईश्वर है। जब सब बंद हो गया, इंद्र को पता चला कि क्षमा मांगा, अभिषेक किया, नाम रखा गोविंद, इसलिए गोविंद नाम नित्य होने पर भी इसके द्वारा इनका गोविंद नाम दिया। हम लोग बहुत स्थान जाना है, नहीं तो गोविंद मनोवेतु मयूर नित्य सब में नहीं जा रहा हूँ, तो बहुत कुछ कहने का है, अब हम लोग को सब स्थान में जाना है, अब लोग करताल मृदंग माई चंप कासर उठा लीजिए, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गोविंद देव की जय, भक्त वृंद की जय, अन्नकूट महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कासर किसके पास लौटो, Thank you.
एक बार नजर में ला लो, नजर में ला एक बार। तो मुझे पकड़ना, हाँ कैमरा ले जाने नहीं देंगे। 60 फुट गहरा उसकी नींव है, मंदिर की 60 फुट गहरा, मतलब जितना ऊंचा है उतना नीचे है इसकी नींव। अब 500 साल हो गए ऐसी खड़ा है, इट इज किसको नहीं हुआ इसको, आसान है। 100 साल में बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसे हाल खराब हो जाते हैं घरों के। आक्रमण भी हुआ था, कुछ बिगाड़ नहीं सके, जो जिसको जिसने काटा वही मर गया। यहाँ सिंगापुर हनुमान जी, उन्होंने सिंहनाद किया था, जैसे हनुमान जी प्रकट हुए वहाँ से, हनुमान जी की सेना में सब लोगों ने बोला था, वानर सेना ने, हम राम जी की सेवा में पूरा काम नहीं आ सके थे तो गोविंद देव जी की सेवा में काम लिया था, सबको सबको लगा दिया यहाँ पे। रूप गोस्वामी जा रहा है ना, रूप गोस्वामी मदन मोहन अब जा रहे हैं जी सर, रूप गोस्वामी। हरि बोल हरि बोल, ठीक है ब्रो। कोटे का बना सब देखते रह गए, लप लप के रह गए सब की चीज। कोटे हाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अरे कैसे हाँ सामने हाँ थोड़ा थोड़ा मिस हाँ जी लप लप के रह अनुपुर भी दिखाओगे ना, अनुपुर गिराज गिराज गौर धन हाँ शादी का रहने कैसे होगा बताओ। श्री रूप गोस्वामी प्राण जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा। ये क्या आ गया, सिंहपुर हनुमान जी की जय। Thank you.
मारी थी और डुबकी मार करके गोपी बन गए थे, उसके बाद ही उनको रास में प्रवेश किया। हरि बोल। रुक जा, हमारे साथ भी ऐसा होगा अगर हम डुबकी मारे तो।
समझ में नहीं आशो ब्रह्मावन अपनी पते जय सोम सोम मोले सुनक सनातन सनातन आदि जैसे गोपेश्वर ब्रजवासी वांगरी पद में प्रेम प्रच्छन्न रूपादि नमो नमस्ते प्रेम प्रच्छन्न रूपादि नमो नमस्ते जय महादेव की जय जय श्री राम We'll be right back.
भगवान जी की जय।
अरे कृष्णा, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिस स्थान पर आए हुए हैं, इस स्थान का नाम रासस्थली बंशीवट। इस बंशीवट में कृष्णा ने रास रचाया था और ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक रास चला और इसमें 100 करोड़ गोपियां थी। इसके संबंध में हमारे ब्रह्म महाराज प्रकाश डालेंगे। हम लोग को 10:30 बजे के अंदर पहुंचना है राधा रमन। इसके बाद हम लोग जाएंगे धीर समेत। इधर की हरि कथा श्री बन महाराज, धीर समेत के श्री श्रीधर महाराज। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हमें ठीक समय के अनुसार पहुंचना है। ध्यान में रखते हुए आप लोग बोलेंगे सब। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावी तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय आवाज नहीं आ रही उसमें। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजधाम मंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह बंशीवट रासस्थली कहा जाता है। आप लोग ने श्रवण किया, यही प्राग प्रजाशी प्रजाशी 84 क्रोश मंडल में अनेक वंशी वट है, एक नहीं है। जैसे काल हम लोग गए थे भांडीर वट के पास ही वंशी वट है, वहां पर भी कृष्ण भी गोपियों के साथ रास मिला है और वो अनेक स्थानों में वंशी वट है। किंतु इस वृंदावन के अंदर ये वंशी वट की विशेष वैशिष्ट क्या है? और कृष्ण जितने भी रास किया, आप लोग श्रवण किया, ये बरगद पेड़ के नीचे वट वृक्ष के नीचे कहा जाता है, इसलिए वंशी वट कहा जाता है। पता नहीं हिंदी में वट पढ़ाते कि नहीं कहते हैं, इसलिए बांग्ला शब्द वट वृक्ष कहा जाता है और हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद, बरगद पेड़ कहा जाता है। किंतु देखो इसके तात्पर्य क्या है। त्रेता युग में सीता देवी ये बरगद पेड़ को जो है वरदान दिया था, वरदान दिया था असत्य वृक्ष के अभिशाप दे दिया, क्योंकि दशरथ महाराज के उन्होंने जो पिंड दान किया और सभी लोग ने क्या कर इनकार कर दी, यहाँ से गाय से लेकर के और जो है सब इनकार किया। किंतु ये बरगद पेड़ क्या किया, उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ सीता देवी ये दशरथ महाराज के जो है पिंड दान दिया। तो उस समय ही सीता देवी भी सबको अभिशाप दे दिया, ये देखो असत्य पेड़ तुम्हारे साल में एकदम एक दिन तुम कैसे हो जाओगे, पंजर हो जाओगे, सारे पत्ता झड़ जाएगा। देखो किंतु बरगद पेड़ को दिया जे तुम सदा सर्वदा हरी भरी और सुशीतल रूप में बने रहो। जब देखो कहीं पर देखो कभी आप नहीं दोगे बरगद के पेड़ के पत्ता नहीं रहता, हर समय हरी भरी रहता। और भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र भी उन्हें मानी मन विचार करने लगे, दापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जब आऊंगा तब यही बरगद पेड़ के नीचे ही मेरे सारे सर्वोत्तम लीला में प्रकाश करता। इसी प्रकार वैष्णव लोग बताते हैं, शास्त्र में है कि नहीं है, किंतु कई कई वैष्णव लोग भी इसी प्रश्न के उठाते हुए और उत्तर भी देते हैं कि कृष्ण क्यों बरगद पेड़ के नीचे अपने सर्वोत्तम लीला का प्रकाश करते। तो अभी हम आइए देखो, जय जो जलरस सर्वरस सार पर किया भवे तथा ब्रजेत। कृष्ण जितने भी लीला है सर्वोत्तम लीला कहा जाता है, यह रास लीला है। कृष्ण के नित्य अप्राप्त गुरु वृंदावन में अप्रकट वृंदावन में यह लीला कहा जाता है, नित्य लीला कहा जाता है। इसी लीला को स्वयं भगवान कृष्ण अपने जोग माया के द्वारा ये भौम वृंदावन में उसको प्रकट किया, जिससे सुखदेव गोस्वामी पास परीक्षित महाराज के कहने लगे, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषां देवासितः भजते तादृश क्रीड़ा जासत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कृष्ण अनुग्रह करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकार लीला आदि और समस्त कुछ लेकर के भौम वृंदावन में प्रकट कराया और इस कथा को सबको श्रवण करना चाहिए। भजते तादृश क्रीड़ा, उसी कथा को आपको अति अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भव्य शब्द के द्वारा कहा गया विधिलिंग, कहा गया विधिलिंग मैंने अति अवश्य श्रवण करना चाहिए।
यदि आप श्रवण नहीं करे तो हम तो अधिकारी नहीं है, हम श्रवण नहीं करेंगे ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्टीकरण कर दिया, भवे सत्य कहे विधि लील, विधि करने पड़े। यदि आप नहीं श्रवण किया, नियम के नहीं पालन किया, भगवत आदेश का अपना हो जाएगा, अवमानना हो जाएगा, इसके अपराध बनेगा। इसलिए इसे सुनना ही चाहिए। अधिकारी हो कौन अधिकारी हो विचार तो बाद में होगा, जैसे कोई पापी हो पुण्य हो जैसे कहां पर विचार होता है, मृत्यु के बाद जम लोग में जाकर के विचार होता है, तुम स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, पहले विचार नहीं कर सकते। कोई महापापी है वो नरक में जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा मृत्यु के समय एक बार नाम राम नाम जप कर लिया, कृष्ण नाम जप कर लिया, नरक में कहां जाएंगे? अजामिल उसके उदाहरण के लिए है। इसलिए उसी प्रकार आप कभी मन में नहीं रख विराजमान है, किस रूप में? गोपेश्वर महादेव के रूप में। इस कथा की इस प्रकार है, एक बार शिव जी के मन में इच्छा हुई जे मैं कृष्ण के रासलीला दर्शन करूं। तो रासलीला कैसे दर्शन करेंगे? क्योंकि शास्त्र में लिखा है गोपी शरीर बिना ब्रज में केवल रास में प्रवेश नहीं कर सकते। उस समय उन्होंने जोगमाया पूर्णमासी दिन के बोले हम तो रास में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्या करूं? उस समय जोगमाया पूर्णमासी देव ने किया कि अभी अभी हम लोग जहाँ से आए हैं, कौन से कुंड से आए हैं? ब्रह्मकुंड से। ब्रह्मकुंड से आए और ब्रह्मकुंड में शिव जी को क्या किया? हम लोग जैसे पानी भरते कलसी में, जैसे पानी भरते है? समझ में आ रही नहीं? मिट्टी का बर्तन कलसी में जैसे हम लोग पानी भरते हैं, उसी प्रकार शिव जी के पकड़ करके उसी कुंड में डुबो दी। और डुबो देने के साथ ही साथ शिव जी सुंदर गोपी रूप धारण कर लिए, गोपी शरीर तो हो गया। और गोपी शरीर आदमी के बोले जाओ इसी रास स्थली में, ये ईशान कोण कहा जाता है, ईशान कोण समझते हैं? ये ईस्ट कोण के ये जो कोने जो है इधर नॉर्थ और ईस्ट के वो स्थान के कहा जाता है ईशान कोण कहा जाता है, देवस्थली भी कहा जाता है। देखो वहीं पर तुम बैठे रहो, वहां पर चुपचाप एक झाड़ी में बैठे रहे, कुंजों के तरफ जैसे वहीं पर बैठे रहे। कृष्ण बंसी वादन किया, समस्त गोपियां सब एकत्रित हो गई और कृष्ण विचार करने लगे आज सुंदर मैं रास लीला करूं। किंतु देखो कुछ समय के बाद कृष्ण करने लगे देखो आज मेरा रास में आनंद नहीं आ रहा। बोले क्या हो गया? बोले देख कोई यहाँ पर जो है विजातीय व्यक्ति आए हैं, क्योंकि रास जो होती है एकमात्र स्वजाति से रास होता है, विजाति से नहीं। जिसने कहते हैं विजाति कौन है, सब गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे, राम तो जोहार भी तो ही गोपियां आती है। वो रास मंडल में चार प्रकार के गोपियां आते, सब सपक्ष विपक्ष तृष्पक्ष और सुहित पक्ष, ये समस्त गोपियां सबकी है। वही ललिता विशाखा चंद्रावली आदि सब गोपियां एक दूसरे के देखने लगे, सब तो हम लोग वही है। कृष्ण कह ले नहीं यहाँ पर देखो कोई विजातीय व्यक्ति यहाँ पर है। तब सारे गोपियों ने देखी ये चार ही तरफ ढूंढने लगे, हम तो देख रहे हैं ये छोटा सा बंदी है, किंतु शास्त्र में लिखा ये विशाल स्थान है, जोगमाया के द्वारा ये स्थान विशाल धारण करते हैं। क्योंकि जैसे कमल होता है ना, कमल जब प्रस्फुटित हो जाता है विशाल हो जाता है, और जब कमल जब मुरझा जाता है पूछ जाता है उसके सारे पंखुड़ियां भी संकुचित हो जाए, उसी प्रकार धाम संकोचन और विकोचन हो जाते हैं, विशाल धारण करते हैं। जैसे जैसे अभी महाराज ने बताया ये देखो कृष्ण के राष्ट्र में कितने गोपियां सम्मिलित हुई, 100 करोड़ गोपियां। तो आप बताइए हम लोग कितने लोग आए, 150 आ गया तो यहाँ पर भर गया, तो उसमें 100 करोड़ गोपियां कैसे आई? बोले यहाँ पर किसी प्रकार बुद्धि प्रकाश मत करो, जड़ बुद्धि, क्यों? ये धाम अपराकृत है, चिन्मय धाम है, चिंतामणि इस धाम स्वरूप है, इसलिए उसके विचार मत करो। जो सारे गोपियां 300 करोड़ क्या बोले 100 करोड़ कहीं क्या बोले 300 कोटी गोपियां भी कहा जाता है। जैसे भी विभिन्न कल्प में विभिन्न जो है उसमें कोई भेद नहीं है। तो सारे गोपियां ढूंढते देखो ईशान कोने में एक लड़की को देखा, चुपचाप बैठी हुई है, बहुत सुंदर जो है कपड़े पहन करके बैठी हुई है। और सारे गोपियां उसे कहने लगे अरे काली तू कहां से आई हो? कुछ नहीं बोले, तेरा नाम क्या है बताओ। देखो पूर्णमासी देवी उनको नाम तो नहीं बताया,
नाम नहीं बताने वाले। अच्छा तेरा नाम नहीं बता तो कौन सा गांव के तू बताओ, वो भी बात नहीं बता। अरे बता तेरे माता पिता के नाम क्या है, तू शादी किया की विवाहित की अविवाहित, ये भी बता। कुछ नहीं बताया। अच्छा तेरे यदि शादी किया तो बता तेरे खसम के नाम क्या है, वो भी नहीं बोली। तब सारे गोपियां पहचान लियो कृष्ण ने जो कहा यहाँ पर भी जाते उसके इतने गुंचा मरने लगे और वो चिल्लाने लगे, देखो गुंचा इधर से मारे इधर से मारे, वो बिल्कुल चिल्लाने लगे। तब उसके देखते देखते उसके पास समय जो जो मैं पूर्ण पूर्णमासी देवी यहाँ पर आए, सब गोपियां बोले अरे देखो इसके तंग मत करो, सारे कथा सुनाया। इनके रासला देखने के लिए मन में इच्छा हुई, मैंने ब्रह्म कुंडो में डुबा करके यहाँ पर गोपी रूप धारण करके दिया। फिर कृष्ण के पास लेकर के गए, कृष्ण कहने लगे देवाधिदेव शिव जी सुनो आज से तुम्हारे नाम कैसे प्रसिद्ध होगा, बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। और देखो यही जो है हमारे रासला के अंदर प्रवेश करने के लिए बाहर गेट में आप चौकीदार के रूप में ही रहिए। और देखो जो कोई भी व्यक्ति हमारे रासला में प्रवेश करने चाहे तो पहले किससे लेना पड़ेगा, आपसे ही अनुमोदन लेना पड़ेगा। जब जब हम लोग इस रासस्थल में आते हैं पहली अवश्य हम लोग गोपीश्वर महादेव की प्रणाम करके उनके पूजा करके संतुष्टि करके तब आते हैं। भाई देखो गेट के पास है ना, उनकी अच्छी तरफ से करना पड़ता है। जैसे गोविंद देव मंदिर में हम लोग जाने नहीं दिया, कुछ लोग भी घुस गए जबरदस्ती घुसे बाप पैसे में घुसे, क्योंकि हमने घुसने इसलिए नहीं दिया इसने विशाल दल बल को देख करके वो लोग घबरा गए, इसलिए वो लोग जाने भी नहीं दिया। किंतु कुछ कुछ जो है गोपियां भी घुस गई। तो उसी प्रकार जो है देखो गोपेश्वर के उनके आदेश बिना हम यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए पहले गोपेश्वर महादेव कृष्ण यहाँ पर वंशी बजाया, जिसे सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं। हे परीक्षित महाराज इस कथा जो अत्यंत गोपनीय भगवान ओ भी तारात्री सरद फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे जोग माया आश्रितम्। स्वयं भगवान कृष्ण ये रासलीला कैसे किया, न जोग माया के द्वारा है। देखो एक जोग माया होता है एक महामाया होता, महामाया के द्वारा समस्त जीव निद्रित हो जाते हैं और जोग माया के द्वारा जीव जगते हैं। सूर्य भगवान जो लीला आदि करते हैं अपने जोग माया के द्वारा, और भगवान जो लीला आदि करते हैं कोई साधारण स्त्री पुरुष व बद्ध जीव के साथ नहीं है, भगवान जो लीला आदि करते हैं अपने नित्य परिकरों के साथ। भगवान ने देखो कौन कौन लोग इस भगवान के लीलाशिला में सम्मिलित हुई, सुतिचरी मुनिचरी जोध की अजोध की और भगवान रामचंद्र के त्रेता युग के समय जनकपुर की जो जितने भी कन्याएं जो है भगवान रामचंद्र के सुंदर जो माधुर्य लावण्य आदि देख करके मोहित हो गए थे, भगवान रामचंद्र उनकी भी मनोवासना पूर्ण करने के लिए जोग माया के द्वारा ही ब्रज में ब्रज गोपीगर्भ में जन्म और नित्य सिद्ध गोपियों की संग राधा आदि ललिता विशाखा ये समस्त नित्य सिद्ध गोपियों की संग बिना हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। अनुराग के जो दो लक्षण हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मुनि ग्रंथ में बताया, इसके अति अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे तैसे राग रास में प्रवेश कर जाइए, हम लोग तो रास में आ गए ना नहीं। देखो अनुराग के दो लक्षण परस्परानु स्नेहानुबंधन, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंधे रहते हैं बिछोड़ना नहीं चाहते। क्षण काल के बिछोड़ हो जाए तो क्या है क्षणार्थे कल्पत्तम कल्पत्ते क्षणार्थ हो जाता है, इसे महाभाव स्थिति कहा जाता है। इसलिए परस्परानु स्नेहानुबंधन दूसरी लक्षण क्या होगा, अनुराग के दूसरी लक्षण क्या है दर्शने अतृप्तता, गोविंद के दर्शन करके ऐसे लगता है मैं जीवन में कभी गोविंद के दर्शन किया ही नहीं है, ये समस्त लक्षण जो हमारे बताए। तो ये समस्त कैसे होता है, नित्य सिद्ध परिकर यानी राधा आदि गोपियों की संग आदि होने पर तब ये हमारे हृदय में ये समस्त अनुराग उत्पन्न होगा, तब जोग माया हमें प्रवेश अधिकार देगी। इसलिए समस्त वर्णन या कृष्ण ने बंसी बजाए, देखो वो समस्त गोपियां अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर रूप में वर्णन है, क्योंकि अभी हमारे पाबंदी हो गया यहाँ पर समय देखते हुए बंद कर दिया जाए, क्योंकि वास्तव में सत्य है।
देखो वो समस्त गोपियां जिनके कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो गया, वंशी ध्वनि सुनते ही वो समस्त गोपियां अपने अपने कार्य आदि त्याग दे करके, यानी गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद के तरफ दौड़ने लगे। इसलिए श्रीमद् भागवत सुखदेव निसम गीतम तदनंद वर्धनम ब्रज स्त्रियो, वो समस्त ब्रज स्त्रियां जो है गोविंद के वंशधनि, वो भी वंशधनि में क्या था, कलम जगु बाम दिशा मनोहरम, एक क्लीन शब्द जो है जो गायत्री मंत्र में, गोपाल मंत्र काम गायत्री मंत्र में जो क्लीन जो बीज मंत्र जो है, देखो उस बीज मंत्र में है कि तुम्हारे स्वरूप है, तुम्हारे नाम है, वो समस्त नाम रूप गुण लीला सब कुछ उसमें बीच में है। और गोविंद क्या करते हैं, तुम्हारे नाम के लेकर के पुकारने लगे, राधे राधे बोली, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदियो ईश्वरी नाम। देखो राधे राधे नाम क्लीन शब्द तो बजा रहे हैं, किंतु ये शब्द कहाँ पर पहुंच गए, राधा जी के कर्मकेंद्र में पहुंच गए। राधा जी सोच रही है ये मुझे कृष्ण बुला रही है, उसी प्रकार ललिता विशाखा चंद्रावली समस्त गोपियां ने क्या की, देखो दौड़ने लगे। यहाँ पर एक विचार के विषय है, जो लोग नित्य सिद्ध है उनके जोग में किसी पर रोकथाम नहीं किया, वो लोग साक्षात अत्यंत सहज रूप में ये रास्ते स्थल में पहुंच गए। जिन लोग के अनुराग उत्पन्न हो गया, जो लोग साधन सिद्ध अनुराग उत्पन्न हो गया जोग में, भी उनके भी रोकथाम नहीं लगाई, किंतु जो मैंने एक क्या कर दिया, उनके प्रतिमूर्ति जो है अपने गृह में रख दिया। उनके पति लोग सोचने लगे जो हमारे पति पत्नी जो है हमारे गृह में है, है। और जिन लोग के कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हुआ, जो मैंने उनके किसी प्रकार जो है सहायता नहीं की, और वो लोग कृष्ण तो शब्द तो सुना वंशी धन के सुनाई पड़े, किंतु जब आने लगे जोग में उनके क्या की, ना उनको रोक दिया, जानी उनके पति आदि लोग उनको रोक दिया जानी। किंतु देखो कृष्ण के प्रति प्रभाव प्रगाढ़ अनुराग विरह हो गया, जिस विरह से वो लोग ने क्या की, कृष्ण चिंतन करते करते आत्म शरीर में यह भी प्रवेश किया। इसी प्रकार शास्त्रकारों ने वर्णन किया, ये समस्त नित्य स्थान है, यहाँ पर जो कैसे लीला आदि हुई, कैसे कृष्ण के साथ हास परिहास होने लगे, और इसके पश्चात कृष्ण गोपियों की भी सुंदर लीला आदि करते, हस्त बंधन बाहु प्रसारण ये समस्त लीला आदि किया। इसके पश्चात जो है कुछ सखियां जो है अपने कहते हैं कि कैसे अपने को जो है क्या बोलते हैं उसको जी अपने अपने को अभिमान रखते हैं, ये कृष्ण हमारे साथ नित्य करते हैं, क्या बोलते हैं, और राधा जी के मान प्रसादन करने के लिए कृष्ण ने क्या की, राधा जी को बलात्कार जबरदस्ती करके उठा करके लेकर के तत्व अंतर दिए। इसके बाद जो आगे की कथा है सिंगारपुर में गए, फिर यहाँ पर जमुनापुरी में आकर के गोपी गीत प्रारंभ हुई, जयति ते वोदिकं जनमना व्रज श्रयत इंदिरा शाचात्रये दैतदीचता दिच्युतावका त्रिदितावासव तं तं विचिन्नते तव कथामृतं तपत जीवनं कवि विदीरितं कालमतावव
पाया, कल आ नहीं पाया, तो फिर स्थिति में आ गए, तो सुबह आके गए। गोवर्धन मीटिंग है ये तो होली पूरी कल अच्छा आप करा रही अपनी महाराज जी मैं वो अब कुछ जा रही है हाँ क्या गुरु बन गया हाँ जी जी जी
स्वामी महाराज के चतुर्थी के भी थोड़ा पहले से अनाउंसमेंट करके रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और यदि नवदीप हो तो तीवरम हो गया मुझे सलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है धीर समीर। समीर मतलब तो हवा, धीर मतलब जहाँ धीर हो जाता है। इसलिए कवि जयदेव ने श्री गीत गोविंद ग्रंथ में धीर समीरे जमुना तीरे बसत बने बनमाली। श्री जयदेव गोस्वामी भी गीत गोविंद में ये स्थान को उन्होंने मेंशन करते हैं ये धीर समीर को। इसलिए अभी जो हम रास मंडल से आए हैं ये स्थान रास मंडल के ये अंतर्गत है। कदि ये हवा धीर क्यों हो गया, कारण क्या है? बोले कारण है यहाँ पर भगवान की रासलीला होगी। ये रासलीला की इतने महत्व है रासलीला की, जहां पर मलयज पर्वत से हवा बहती है, बहते 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 जब यहाँ पर आए, इसलिए श्री मद भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तेजो बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। वहां पर वर्णना करते हैं भगवान की ये रास को दर्शन करके तेज, तेज मतलब होता है चंद्रमा है। यहाँ पर एक चंद्र सरोवर है, हम लोग जाएंगे गोवर्धन को पास में। कृष्ण जब ब्रह्मा का एक दिन तक उन्हें रास रचाए, चंद्रमा भी जिनकी रास की दर्शन करते हुए वो भी ब्रह्मा का एक रात तक जहां पर स्तंभित हो गई। इसलिए वहां पर चंद्र सरोवर है। तेज और बारी, बारी मतलब होता है पानी। पानी क्या होता है, जैसे जमुना बहती है, लेकिन भगवान की रास लीला में भगवान की बंसी ध्वनि में ये जमुना भी ये क्या करती है, उल्टी बहने लग जाती है जमुना। तेज और बारी मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी। गिरिराज गोवर्धन जब कृष्ण बंसी ध्वनि रास करते हैं, जिसको दर्शन करते हुए भगवान की सुंदर चरण छाप जहां पर यूं कि त्यों श्री गिरिराज गोवर्धन में आ जाता है। इसलिए ये जो प्रभाव है किसका प्रभाव है, कदि ये रास का ही ये प्रभाव है। इसलिए रास मतलब जहां पर रसानाम समहिति ये रास है। इसलिए इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास के लिए उन्होंने चार शब्द को उन्होंने प्रयोग किया है। पहला शब्द है आत्मा राम अपि अरि रमत। कहते कृष्ण कौन है, उनका नाम है आत्मा राम है। उनका आत्मा कौन है, बोले आत्मा तो राधिका एव। इसलिए वो क्या करते हैं, कोई कोई लोग कहते ना
हरे कृष्ण किया, ये सब पराया सब लड़की को लेकर के कृष्ण नाच नचे किया। बोले कृष्ण और किसी को लेकर कृष्ण नाच नहीं नचे है कृष्ण, इसलिए उनका नाम आत्मा राम। एक उदाहरण दिया है, अगर मैं अपना शरीर को अगर ऐसे आलिंगन करता हूँ, कोई दोष है? अगर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ता हूँ उसमें कोई दोष होगा? कोई दोष नहीं होगा। इसलिए कृष्ण और किसको साथ में कृष्ण लीला नहीं किए, इसलिए उन्होंने किसको साथ में लीला किया है? बोले श्री राधा रानी को साथ में और ब्रज गोपियों को साथ में रास लीला किया। ये थोड़ी कृष्ण से अभिन्न है, हाँ? वो तो अभिन्न है नहीं, कृष्ण लीला करने के लिए उन्होंने राधा रानी को उन्होंने प्रकट किया है। राधा तो आत्मा तो राधिका है, उनका आत्मा ही राधा। ये गोपियां कौन है? बोले ये आनंद चिन्मय रस की एक एक मूर्तिमान है। इसलिए कृष्ण और किसको साथ में लीला नहीं किए, कृष्ण खुद खुद को साथ में उन्होंने लीला किए। इसलिए कहते आत्मा राम अपि, वो आत्मा में आत्मा राम होते हुए भी, आत्म काम और पूर्ण काम होते हुए भी उन्होंने रमण किया है। दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, कहते मन्मथ अपि मन्मथ, उन्होंने दूसरा शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कृष्ण ने, कोई कोई कहते ना अरे कृष्ण किया सब गोपियों को लेकर नाच नचे, कृष्ण तो काम में मुग्ध पागल हो गए। लोग कुछ निंदा करते हैं ना, कहते नहीं हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं, ये जो रास लीला है कृष्ण का, ये काम विजय लीला है, उन्होंने काम को विजय प्राप्त किया है। इसलिए उसको श्रीधर स्वामी उदाहरण देते हैं, एक समय कामदेव का बड़ा अभिमान हो गया। बोले क्यों अभिमान हो गया? अरे सारा दुनिया को मैंने नथ डाला है, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़े, ब्रह्मा अपना बेटी को ऊपर आसक्ति होकर के, ब्रह्मा जी अपना बेटी को पीछे उन्होंने भागे थे। शंकर जी मोहिन रूप दर्शन करते हुए, शंकर जी मोहिन रूप को कृष्ण दर्शन करते हुए स्वयं मोहिन को पीछे शंकर जी भागे थे, हैं? इंद्र स्वयं अहल्या को प्रति, इंद्र स्वयं अहल्या को प्रति आसक्ति हो गई इंद्र। और श्री विश्वामित्र जी मेनका की चरण की नुपुर की झंकार से ही उनकी सारे तपस्या तपस्या खत्म हो गए, कहां घर गृहस्थी बैठा दिए। इसलिए श्री कामदेव ने देखा ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने अपना हाथ की मुट्ठी में, ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने कर लिया, लेकिन अभी एक व्यक्ति केवल बाकी रह गए। बोले कौन? बोले एक केवल कृष्ण ही बाकी रह गए। मैंने तो कोशिश किया बचपन में, हैं, कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, हैं? इसलिए उन्होंने भगवान को चुनौती दिया। बोले प्रभु आ जाओ मेरे साथ में, दो हाथ कर लो, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड को मैंने अपना हाथ की मुट्ठी में कर लिया। भगवान ने बोले क्या बात है? बोले आओ युद्ध करो मेरे साथ में। बोले द्वापर युग में जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा, रास करूंगा, तभी तेरे साथ में मैं युद्ध करूंगा। उसी समय कामदेव तो हंसते हंसते चले गए। बोले क्या रासलीला का समय में तुम मेरे साथ में युद्ध करके, जब कृष्ण यहाँ बंसी बजाए और सबके सब ब्रज गोपियां यहाँ पर आई, इतने में कृष्ण कामदेव को बोला, बोले आ जाओ यहाँ पर युद्ध करने के लिए। कामदेव बोले तुम तो ऑलरेडी फेल हो, हैं? एक से एक गोपी और जहां पर चंद्रमा का किरण छिटक रहा है, जहां पर जूई चमेली बेली बड़े सुंदर सुंदर जहां फूल खिला हुआ, और रात एकदम 12 बजे सारे काम उद्दीपक वस्तु यहाँ पर, तुम तो ऑलरेडी गोपियों को प्रेम में तो पागल होकर यहाँ पर तो नाच कर रहे हो, जब मेरे साथ में युद्ध क्या करोगे? इतने में कृष्ण ने कहा देखो जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो बात का बाणी नहीं चलाते, अपना है अपना तेज दिखाते हैं, इसलिए दिखाओ कितना तुम्हारे पास में अस्त्र है दिखाओ। इतने में कामदेव ने, कृष्ण ने कहा पहले तुम्हारी बारी, बाद में मेरी बारी आएगी। इतने में श्री कामदेव ने, उनके पास में 5 बाण है, सनमोहिनी उठचाटन स्तंभन शोषण करके 5 बाण है। लगता है ये वीर ज्यादा लगता है बलवान है, क्योंकि शंकर ब्रह्मा जी के ऊपर मैंने एक एक बाण का प्रयोग किया था, ये सब के सब काम बाण में पागल हो गए, लेकिन लगता ही ज्यादा बलवान है। उनका धनुष किया है, बोले पुष्प का धनुष, कहते उनकी तीर किया है, बोले तिरछी चितवन है, और धनुष किया देखो जो चक्षु का जो भ्रूर है ना, देखो ये धनुष जैसे। इतने में कामदेव ने अपना 5 बाण चलाया, किसमें? बोले अपना बाण में, धनुष बाण में जोर से कान तो खींच करके जो मारे। इतने में कृष्ण ने सारे ब्रज गोपियों को छोड़कर, कृष्ण केवल राधा रानी को लेकर के अलग हो गए। कामदेव तो अक्के बक्के चक्के हो गए, भैया मेरे को कोई बाणी काम नहीं किया, ये तो सबके सब छोड़ दिया उन्होंने। इतने में बोले और एक मौका है, बोले तुम्हारे साथ में सबसे जो सुंदरी ये श्रीमती राधा रानी अभी तुम्हारी साथ में है, एक मौका है। फिर उन्होंने जो दूसरा बार मारे ना, इतने में कृष्ण राधा रानी को भी परित्याग करते हुए
कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ कर चले गए। कामदेव बोले भैया मेरा कोई पानी काम, मेरा कोई पानी काम नहीं किया है। इतने में कृष्ण ने कहा भैया तेरे बारी तो खत्म, अभी मेरी बारी है, अभी मेरे बाण को तुम अभी तुम संभालो। इतने में कृष्ण के पास में भी पांच बाणी है, पांच बाण है, जिसको गोपी गीत में कहते हैं। वो श्लोक याद है किसको? गोपी गीत में वो जो श्लोक है कृष्ण का, उसमें पांच बाण किया। कहते उनका जो मिट्टी मंद मुस्कराहट है, दूसरी है उनकी तेरी सी चितवन है, चौथा है भ्रूरभंगी है, पंचमा है रूप है। ये गोपी गीत में उस श्लोक हमारी याद नहीं आ रही है, इसलिए जिसमें गोपियां कहती है श्याम सुंदर, इस कृष्ण के पास में भी पांच बाण है। कृष्ण के पास में जब कृष्ण अपना पांच बाण कामदेव के ऊपर चलाया ना, इतने में तो कामदेव भगवान रूप उनको तेरी चितवन का लटकन झटकन उनकी क्या चाल मतवाल है, गजराज तले मस्त मस्त भगवान की रूप को देख करके बास कामदेव तो एक बार में ही कामदेव मोहित हो गए। जब मोहित हो गए इतने रति देवी दौड़ दौड़ करके आई, बोले प्रभु मेरे मेरे पति को प्राण दान प्रदान करो। इतने में कामदेव ने कृष्ण का चरण में लोट पोट हो गए, बोले प्रभु मेरे को भी अपना एक चेली बना दो, मेरे को भी अपना चरण में एक दासी बना दो। बोले श्री मदन मोहन लाल की। इसलिए उन्होंने उनके लिए उन्होंने चार बाण, उन्होंने चार वाक्य उन्होंने प्रयोग किया है। यदि ये जो स्थली है इसीलिए भगवान की रास लीला की जो अद्भुत जो करामती, विशेष करके रास लीला में भगवान सब जगह में एक डी घाक टांगते एक बात को आए, क्या है डी घाकना? जे यथा माम प्रबदन्ते तामस तथैव भजामि हम, मेरे को जो जितना भजन करता है उसके अनुरूप मैं भजन करता हूँ। लेकिन केवल रास लीला में आकर के भगवान अपना वाणी को उनको बंद कर देना पड़ा, जहां पर कृष्ण को बोलना पड़ा न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विधाय साबिव। ब्रह्मा के जैसे परमायु लेकर के भी है ब्रज गोपियां, मैं कभी तुम्हारी ऋणी को कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए भगवान के जो दिव्य रास लीला था, जहां पर शंकर भी स्वयं मुग्ध होकर के गोपीश्वर बन करके जहां पर आए, सारे देवता लोग भी भगवान जब रास कर रहे थे भी सबके सब वाद्य यंत्र बजा रहे थे। इसलिए यहाँ पर धीर समीर जहां पर हवा आकर के प्रभु की लीला में मुग्धता होकर के कहती हवा भी जहां पर धीर हो गया है, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया धीर समीर नाम पड़ गया। अभी आप लोग जहां पर बैठे हो यहाँ पर एक दो लीला है, यहाँ पर श्री गौरदास पंडित का समाधि है। ये जो गौरदास पंडित ये कृष्ण लीला में कृष्ण का ये सुबल सखा थे, जब कृष्ण चंद्र महाप्रभु का रूप में आए वो भी महाप्रभु का लीला में श्री गौरदास बन करके आए। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब उनको घर में गए वो किसी तरह से महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते, नित्यानंद प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते। बोले क्यों? कृष्ण लीला में ये सुबल सखा है, जो सुबल सखा है ये प्रिय नर्म सखा, ये कभी कभी कृष्ण की जो श्रृंगार रस में ये लोग मदद करते हैं इनकी श्रृंगार लीला में हैं। इसलिए ये कहते जो सुबल सखा वो इतने सुंदर थे, कभी कभी ये राधा रानी के रूप धारण करके जटिला कुटिला को मुग्ध करते हुए कृष्ण कभी कहते सुबल मैं राधा रानी के बगैर में प्राण नहीं धारण कर सकता हूँ। बोले कोई चिंता मत करो। इतने में सुबल स्वयं कहते मेरे बछड़ा गुम गया बोल करके जावट में पहुंच जाते थे। हाँ पहुंच करके कहते मेरी बछड़ा कहाँ चला गया, लेकिन अंदर में जाकर बोले हे राधे तेरी विरह में कृष्ण प्राण त्याग करना चाहते हैं, तुम जल्दी जल्दी जाकर गोविंद को साथ में मिलो। इतने में जो सुबल सखा क्या करता था, राधा जी की रूप धारण कर देता था और राधा रानी सुबल का वेश धारण कर लेते थे। और क्योंकि सुबल का जो चेहरा उनका जो मुखमंडल राधा जी के मुखमंडल मिलता था, और इतने में वो बछड़े को लेकर के राधा रानी अपना बख्य स्थल को पर रख करके वो निकल करके चले जाते थे और आकर के कृष्ण को बोलते थे, बोले कृष्णा मैं तो राधा रानी को नहीं ला पाया। कृष्ण बोलते मैं तो आज प्राण छोड़ देती राधा रानी के विरह में। इतने में श्री है राधा रानी अपना बख्य स्थल से जो बछड़े को उतार देते थे, ये फिर पता चलता था ये कोई पुरुष नहीं ये कोई स्त्री, इसलिए इतने प्रिय थे कृष्ण की। इसलिए यही महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को किसी तरह से जाने नहीं देते थे। एक दिन महाप्रभु बोले मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, बहुत सारी काम है, एक काम करो हम दोनों भैया का नित्यानंद महाप्रभु का तो विग्रह बनाओ। तो उन्होंने विग्रह बनाए, देखो जो विग्रह है ना, विग्रह न है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं ये साक्षात ठाकुर जी है। इसलिए उन्हें चार व्यक्तियों के लिए चार केले का पता लगाए
और चार भाई बैठे करके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उनका जो विग्रह था ना वो बैठे करके सबके सब भोजन किया। महाप्रभु ने बोले बताओ अभी तुम किसको रखना चाहते हो। बोले आपको रखना चाहता हूं। हैं इतने में जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रखे बोले ठीक है हम तुम्हारे घर में रह जाते हैं। वो जो विग्रह बनाया था ना नीम लकड़ी वो विग्रह स्वयं चलना शुरू कर दिया। हाँ चलना शुरू कर दिया। बोले ये क्या हो गया ये विग्रह तो है कहती विग्रह चल रहे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो विग्रह अगर खड़े हो गए। बोले ये क्या हो गया। उन्होंने भागते भागते बोले कहाँ जा रहे हो। बोले तुमने हमें रख लिया ना। बोले नहीं आप ही रहो। जब उनको रखा ना फिर जो विग्रह बन गए थे फिर चलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने भागते भागते बोले कहाँ जा रहे हो। बोले रह गया ना। बोले नहीं आप रहो। लास्ट में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु वो स्वयं वहां पर रुक गए और जो विग्रह था वहां से चलते 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 विग्रह स्वयं चले गए। इसलिए अगर कोई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप को दर्शन करना चाहते हैं अंबिका कालना में जाकर के उनको रूप को वहीं पर दर्शन करो। इसका मतलब है हमारे घर में जो ठाकुर है ना इन्हें इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। इसलिए विग्रह इसलिए विग्रह सख्या। और यहाँ पर एक संत थे हमारी संप्रदाय में हुए श्री बक्रेश्वर पंडित का शिष्य थे हैं उनका शिष्य थे श्री गोपाल गुरु और उनका शिष्य थे ध्यान चंद्र। अभी क्या हुआ अभी श्री गोपाल गुरु जो थे और जो ध्यान चंद्र थे जब उनके गुरुजी चले गए फिर नियम होता है ना गुरुजी जाने के बाद जो प्रॉपर्टी होता था प्रॉपर्टी को शिष्यों का नाम पर लिखवा करके जाते हैं। लेकिन दोनों ही भजनानंदी थे उनको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था भगवान की भक्ति में ही डूबे रहते थे। इसलिए शिष्य भी सोचे नहीं और गुरुजी भी सोचे नहीं इस विषय पर हैं। लेकिन बाद में जो जगन्नाथपुरी में जो गंभीर राज जिसको राधाकांट मठ कहते हैं इतने में जो कुछ दिन बाद में जो राजा बोले भैया तुम्हारी नाम पर इसका कोई पटा बहुती है कोई कागज पत्र है कि नहीं। बोले गुरुजी तो कुछ लिख कर गए नहीं। बोले ये संपत्ति में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं इसको सरकार इसको ले जाएगा। अभी तो बड़े चिंता में पड़ गए हम भी ध्यान नहीं दिया गुरु भी ध्यान नहीं दिए। अभी दिन रात रो रो करके ठाकुर को प्रार्थना करते गुरुजी आप तो कोई लिख कर गए नहीं अभी ये सरकार इसको ले जाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रहे भजन किया ये इनकी स्मृति स्थली है अभी क्या होगा। देखो गुरुजी कैसे नित्य अगर सचमुच से गुरुजी भजन परायण हो ऐसे उच्च आसन पर गुरु होना ये गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं होते हैं। इसलिए उद्धव स्वयं कहते हैं ये उद्धव कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं आचार्य मांग बिजानिया। तो जो आचार्य है वो मेरे स्वरूप है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही समस्त शास्त्र क्या कहते हैं गुरुदेव साधारण नहीं साक्षात हरि तत्व है। यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रद्दास तथा भी जानिया अमितहार प्रकाश कहते ये गुरुदेव कौन है ये भगवान ही ये गुरु रूप में जगत में जीव को परे कृपा करने के लिए सख्यात भगवान ही आते हैं। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं संसार दाबा नळली ढलोक त्राणाय कारुण घन घन प्राप्त कल्याण गोनर्नवाश वंदे गुरा श्री चरणारविंद। इसलिए गुरुदेव कौन है बोले कृष्ण की कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करते हुए जगत में आते हैं। जब हृदय से उन्होंने गुरु जी को पुकारे देखो क्या गुरु जी की शक्ति है हैं हृदय से पुकारे। तो कोई व्यक्ति आए थे जगन्नाथपुरी से दर्शन करने के लिए जब यहीं पर आए ना देखा गुरु जी यहाँ पर बैठकर भजन कर रहे साक्षात रूप में देखा गुरुदेव बैठकर भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे समस्या की बात बताई ऐसे ऐसे आप कुछ लिखे नहीं सरकार तो उसको जोर जबरदस्ती लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जाकर के ध्यान चंद्र को बोले तेरे गुरु जी को तो वृंदावन में देखा वहां भजन करते हुए गुरु जी को देखा इसलिए तुम जाओ अपना गुरु जी को लेकर के आओ। आए सचमुच से देखा गुरुदेव वहां पर शरीर छोड़ दिए लेकिन देखा गुरुदेव यहाँ पर है। इसलिए बोले गुरुजी ऐसे ऐसे बात आपको जाना पड़ेगा।
बोले मैं तो जा नहीं सकता हूँ, वहां पर एक नीम वृक्ष रूप में मैं प्रकट होऊंगा, वो नीम वृक्ष में मेरे रूप को बनाओ, फिर मैं स्वयं वहां पर बात करूंगा। सचमुच नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए, नीम वृक्ष में उन्होंने मूर्ति बनाया, अभी भी मूर्ति है, वो मूर्ति साक्षात बात किया राजा को, सत्य नहीं ये मेरे चेला है, मेरे बात में इसका अधिकार है। इसलिए जो जीवन है ना हमारे श्री बामन गोस्वामी महाराज के जीवन में बहुत बार दिखाई पड़ा है, बहुत बार। एक समय तो उनको एक दो घटना है, एक समय जो बामन गोस्वामी महाराज उनको गुरु जी के जीवन चरित्र को लिखे, लिख करके जो इंट्रोडक्शन जो मुखबंध होता है, अभी उसमें क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखे, अभी गुरु जी को चिंतन करते 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 सो गए, क्योंकि गुरु जी को साथ में उनकी बहुत घनिष्ठता थी। जब उन्होंने सो गए ना, इतने में गुरुदेव रात में आए और आ करके बोले गुरुदेव हम उसमें क्या लिखेंगे, हम सोच नहीं पा रहे, अब बताओ। तो गुरु जी ने सारी बात बताई, रात भर गुरु जी को साथ में बात किया, लेकिन उनको जो सेवक थे वो पास में सो रहे थे, उन्होंने देखा गुरुदेव रात भर किससे बात कर रहे, रात भर बात कर रहे। सवेरे हुआ तो उन्होंने बोले, जो गुरु जी ने कहा देखो रात भर सो नहीं पाए, बोले सोएंगे कैसे, मैंने देखा रात भर क्या बड़बड़ा, हाँ तो बड़बड़ा रहे थे, रात भर बात कर रहे थे, बोले गुरुदेव क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने बोले देखो हमारे ग्रंथ का जी इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, गुरु जी को चिंतन करते करते सोया था, गुरुदेव आए थे, इसलिए गुरु जी से मैं डिस्कशन कर रहा था, गुरुदेव हम क्या लिखेंगे। इसलिए अगर हृदय से अगर हम गुरुदेव को, इसलिए उनका जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज थे, जिस समय परिक्रमा सबके सब इधर उधर हो रहा था, ग्रंथ स्वयं प्रभुपाद प्रकट हुए उनको पास में, प्रकट होकर के बोले क्या कर रहे हो, सारे ग्रंथ प्रकाशन प्रचार ठप हो रहा है, इसलिए अभी तुम सन्यासी ग्रहण करो, सन्यासी तो पहले दिया था, अभी डायरेक्ट रूप में ग्रहण करो और जगत में प्रचार प्रसार करो। प्रभुपाद स्वयं एक बार नहीं तीन बार उनको स्वप्न दिया, अगर हृदय से हम अगर सच शिष्य है, अगर गुरुदेव भी सच हो, इसलिए हृदय से अगर गुरुदेव को बुलाओ, गुरुदेव आवाज देते हैं, गुरुदेव साधारण वस्तु नहीं। बोले श्री गुरुदेव की, बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की, भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। आप लोग यहाँ पर प्रणाम करो, प्रणाम करते हुए राधा रमन 10:30 से लेकर के 11 बजे तक, इसलिए हम जाते समय गोपीनाथ बड़ेगा वहाँ कथा नहीं करके केवल दर्शन करके तो निकल जाएंगे, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी चलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राम करताल दासर सुशीली प्रभु विजय प्रभु हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण धन्य गोपाल हरि गोपाल गौर गोपाल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देवा श्रिया दैत गौरा भक्त
पंडित और खाना दाना है। उधर से उधर से उधर से उधर
ভিতরে যাওয়া হবে না না गुरु जी ये कौन से यहाँ पे कौन से ठाकुर जी थे इधर ये चैतन्य महाप्रभु अच्छा चैतन्य महाप्रभु
उधर राधा गोपीनाथ जी देखो कृष्णा कृष्ण का शरीर कितना कोमल था ये पते से पता चल जाता है जी। ये पते का हाथ लगा कितना कोमल है जो जो एकदम नरम होगा ना पहले एकदम कोमल कोमल पता होगा इनसे पता चल जाता है कृष्ण कितना कोमल था। नहीं बुरे पता नहीं देखो ये पते ये हाथ से तोड़ना नहीं पता तोड़ना नहीं सामने भला सेन एक घंटा खाए ना हाँ भाल
प्रसाद ही पूछ लिया मैंने, प्रसाद ही उधर से मिलेगा। श्री गुरुदेव जी की हरे कृष्णा हरे कृष्णा यहाँ पे हाँ हाँ इनके द्वारा यहाँ पे जहाँ पे जी 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 यहाँ से जो अंदर जाते वापस नहीं आते दिक्कत है। पूरा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। तथा समाधि स्थल की जय।
सब मार्क्स तो ले रहे चुने से बैठे सब जीवन चल रहे
झूठ नहीं बोलेंगे। मोबाइल बंद रखना और ऐसे मत चलो बंदर लेके भाग जाओ। अच्छा धरती में कितना गहरा है यहाँ तक, धरती है इसके नीचे पर कितना गहरा। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा उसने आवाज़ किसी सेट कर रखी है ना, फिर बोलने के स्टाइल में।
बटन दबाते रेडियो ऑन होता है तो भी क्या है बटन दबाया रेडियो जी मुझे लगा आगे रंग हनुमान की कुछ ठीक है कुछ तो रंग आना चाहिए मैं भी डालू अरे रंग हाँ पूरा ठीक है पूरा राज फ्लैग है राज फ्लैग ठीक लाल रंग है राज फ्लैग है वहाँ चमत्कार है रोज नया चावल का सर तू किन्हें पकड़ के आ गई है फिर तू कहने करिए मैंने सेवा करते रहो भैया दान करते रहो वेट करते रहो भैया मच्छा देखते रहो बड़ामी देते रहो बड़ामी दीजिए जो मैंने सेवा करिए अच्छा दान करिए वेट करिए भैया मच्छा देखिए प्रणाम करिए चला भैया सेवा करते रहो भैया दान करते रहो वेट करते रहो भैया मच्छा देखते रहो मना करे ना लेने देना है महाराज कहीं बैठने नहीं देते इधर नहीं इसने दिया यही बड़ी बात है ये भी उपदनी थी नहीं हमारे जेखन बस जेखन लिया था हमारे जेखन बस जेखन कहाँ से होचुन धुंधला ध्यान रखो फोन के लिए जगह इतना बगावन देख कर चुका तो देखते रहो फोन रखो हाँ देखते रहो ना की तरफ को देखते रहो डर क्यों रहे देखते रहो उनकी तरफ को मैं भी देख रहा लो लो देखते रहो नहीं अगर उनको देखते रहेंगे फैन नहीं लेंगे अगर नजर बचाई फैल जाएंगे एकदम अच्छा ले गया दीवन के गेट कीपर सबको सुरक्षा के साथ अंदर भेजते हुए लगा लो लगा लो ये एक्स्ट्रा हो गया क्या अच्छा हो गया बता रहे नहीं मतलब लिस्ट के अलावा अच्छा हो गया माला दो सबसे पहले करताल में नहीं दस दस रुपए की बहुत साल जब आया था सात आठ साल पहले हमें नहीं पता रास्ता बता दो जाम हो रहा है
सबको लगा दो इधर चुप के नहीं जा सकते इतना सारा चुप रहे अरे सब 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 हम सब तो देवी मंदिर है जा देवी का भक्त बना रहे देवी नहीं हमारे नागरानी देवी रोके रोके एक बार क्या कर रहे हो रास्ते से दोनों आमने सामने खड़े हो गए आमने सामने खड़े हो गए दोनों हरे श्याम है अब ठीक है बहुत ज्यादा लगा रखा बहुत ज्यादा धीरे 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 प्लस से बटाना पकड़ो सही से कैसे मचाओ पूछ दो ना पूछता है अरे कोई नहीं और मिटाओ ये सब काली काली भक्त बना दिया और होली और कर दी अरे चल मैं बता रहा हूँ आगे महाराज जाएगा आगे सुनो सुनो तो सुनो राधा सिंह महाराज सुनो जब हम लोग जा रहे थे ना राधा रमन में तो गौर को पकड़ लिया बोले ये करो मास्क लगाओ गौर बोले जल्दी जैसे ये करोगे तो बर्द भेज दूंगा वो छोड़ दिया गौर को डर के मारे पकड़ लो तुम्हें मास्क लगाओ वो दौड़ से भाग गया हम तो चला गया हरि बोल ये तो मास्क लगा लो ये ना अरे नहीं लगा दे सब हो गया गौर को मास्क लगाओ मास्क लगाओ कलर हो गया हो जाएगा पीछे देख रहा हूं जो पकड़ा देना इधर से ना इधर से राधे 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 वहीं जाया करिए अब तो महाराज जी को महाराज जी को देखो सबको लाल लाल तिलक लगा दिया देखो ये लग गया लाल लाल तिलक महाराज जी को भी लगा है गुरु जी को भी लगा है ये प्रभु जी को देखो सबसे घाटा लगा है लाओ एक घुटे तब से अभी खत्म करो एक घुटे मेरे पास है कौन तो मंदिर आने वाला है कौन सा मंदिर आने वाला अपना वादी रख लो ना फिर भी वो पीते फिर मैं वो याद ही ऐसे टाइम पे भी मुझे साफ देते कल भी ऐसे होता मैं पानी वृंदावन जो बोलते हैं ये सभी वृंदावन पहले जंगल सीधे निकले जैसे दोनों जमा जमुना किनारे निकल सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल चलो जमुना किनारे जमुना किनारे जमुना किनारे जमुना किनारे मेरा गांव सांवरे आ जाइयो हरे कृष्ण बोल मेरे थोड़ा लगा ज्यादा लगा है पूरा काड़ा मैं तो वो सही उठा कुछ आगे बोलो श्रृंगार वट की कहां गया वो हां झाड़ू मंडल दे
खोलते नहीं क्या वे? सब अंदर रख दी। यम नाम महारानी की जय। चलते रहो चलते रहो। हरे कृष्ण। बाबा हरे आपको झाड़ू मंडल वाला उसकी कुछ मतलब पता होता है कहानी क्या है? हाँ, एक बुढ़िया की वो चक्की चलाती थी। तो फिर वो ठाकुर जी की सेवा पानी कुछ कैसे था, तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरा अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो ठाकुर जी ने उस चक्की पर अपनी चरण रख दिए, क्योंकि अब लोग इस चरण के दर्शन देंगे और प्रणाम देंगे जिससे तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। इसी लीला एक वहाँ पर एक पेड़ है, एक दिन वहाँ पर नुकुल खो गया था, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते वहाँ पर ही उनको वो नुकुल मिला था उस पेड़ के पास। दो लीलाए हैं, झाड़ू वहाँ झाड़ू देती है, झाड़ू लगाते थे, झाड़ू देते वो नुकुल पाया था, उसे झाड़ू मंडल बोलते हैं। एक संत ने हाँ इधर आके थोड़ा सा छोटे आगे जाते हैं, दो लीलाए थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, जब रिपीट करूँ तो पूरा याद हो जाएगा। संतों का हाथों से लगाया मीठा नहीं, क्या जरूरत है? संतों का हाथ लगाएंगे, लगा लेंगे।
A7 18 कैमरा है, सबसे पहले था, इससे पहले नहीं आया।